हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है टेक सेंटर में। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने MI नोटबुक 14 को अनबॉक्स किया था। तो फाइनली आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं MI नोटबुक 14 के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो टेक सेंटर। चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैपटॉप के बिल्ड क्वालिटी की। जो लैपटॉप है वो काफी ज्यादा हल्का है। यहाँ पे 1.5 केजी का जो है लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं एकदम इजीली। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। पीछे में जो है एकदम प्लेन है, कोई भी लोगो नहीं है। तो आप चाहे तो कोई भी अच्छी सी स्क्रीन लेके उसके ऊपर जो है लगा सकते हो। 14 इंच का यहाँ पे स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है। तो जो लैपटॉप का जो ओवरऑल मैं साइज बताऊँ तो 15 से 16 इंच के आसपास होगा डिस्प्ले को छोड़ के, जो कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँ ओवरव्यू की, तो यहाँ पे आपको USB 3.1 वाले दो पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, USB 2.0 वाला एक पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक HDMI आउटपुट देखने को मिलेगा और एक 3.5mm वाला हेडफोन जैक भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो चार्जर है वो काफी ज्यादा स्पीड है, 65 वॉट का जो चार्जर यहाँ पे दिया गया है, जिससे काफी ज्यादा स्पीड चार्जिंग होती है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 14 इंच का है और जो इसका 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। जो स्क्रीन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा ब्राइट है और काफी जो है कलर प्रोड्यूस करता है। जो 1080 पिक्सल का डिस्प्ले है उससे जो है वीडियो क्वालिटी जो अपन देखते हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है डिस्प्ले के साथ कि इसका जो लो ब्राइटनेस है, यानी कि अगर आप ब्राइटनेस को कम करोगे तो उतने हद तक कम नहीं होता है। मेरे पिछले लैपटॉप में मैं कम करते 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 उसको एकदम ब्लैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेड जो है आप उसको कम कर सकते हो। तो ये जो है ये बात मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे आपको ये चीज भी देनी चाहिए थी। इसका दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ के बारे में, तो जो बैटरी लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे MI कहता है कि 10 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप हैवी यूसेज करोगे तो भी आपको 7 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि स्क्रीन छोटा है इसीलिए जो है आपकी बैटरी लाइफ ज्यादा चलेगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको मोड भी दिया गया है कि आपको अल्ट्रा स्लिम मोड में रखना है कि नहीं रखना है, फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर भी जो है आपकी बैटरी लाइफ डिपेंड करती है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँ कीबोर्ड के बारे में, तो यहाँ पे सीजर कीबोर्ड आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक की अलग से नहीं दिए गए हैं आपको। यहाँ पे आपको न्यूमेरिक की जो है वो कीबोर्ड के ऊपर में दिए गए हैं। तो अगर आपको कोई एक्सेल से रिलेटेड काम करना है, कोई नंबर्स के साथ आपको खेलना है, आपको अकाउंटिंग करना है, आपको कुछ भी न्यूमेरिक चीज करना है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको नंबर्स टाइप करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर आपके पास एक न्यूमेरिक कीबोर्ड है तो आप उसको इसमें अटैच कर सकते हो। तो मैं डेफिनेटली जो है न्यूमेरिक कीबोर्ड अटैच करने के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कीबोर्ड में आपको कोई भी लाइटिंग देखने को नहीं मिलती है और उतना ज्यादा प्रीमियम फील नहीं होता, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, लेकिन प्रीमियम फीलिंग जो है वो यहाँ पे नहीं आती है कीबोर्ड के साथ। दोस्तों, ये जो है मैंने आपको बताया कीबोर्ड के बारे में। अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ यहाँ पे, तो साउंड क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, क्रिस्प साउंड है, लेकिन साउंड जो है उतना लाउड नहीं है। अगर आपको क्रिस्प साउंड चाहिए, आप अकेले जो है आराम से बैठ के सुन सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपको एकदम लाउड साउंड चाहिए तो उतना लाउड साउंड आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यही मेरी कहने की बात यही है कि यहाँ पे क्रिस्प साउंड है लेकिन लाउड नहीं है। प्रोसेसिंग पावर की मैं बात करूँ दोस्तों, ये जो लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा अच्छा प्रोसेसिंग पावर आपको देगा। यहाँ पे आपको मिलता है कोर i5 का इंटेल का प्रोसेसर, जो कि 10th जनरेशन का है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको USD ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाती है, और जो इसका और वेरियंट है उसमें आपको NVIDIA की ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे SSD है जो यहाँ पे 512 GB वाला है, 256 GB वाला, उसके चलते जो है लैपटॉप की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। मैंने एक वीडियो एडिट की थी और वो वीडियो जो पुराने लैपटॉप में था वो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगते थे, और यहाँ पे उस वीडियो को आधा घंटा लगता है बस एडिट होने में। तो दोस्तों, आप इसकी स्पीड को नाप सकते हो कितना ज्यादा स्पीड है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे जो इसका वेब कैम है वो आपको अलग से बॉक्स में मिल जाता है, वो इसमें अटैच नहीं आता पहले से। तो
तो जो वेबकैम है उसको आपको अलग से अटैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि कोई कैमरा नहीं है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैमरा चालू है या नहीं है, तो वो आपकी प्राइवेसी हो गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो वेबकैम के आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो सकती है, और आपको कभी कभी अगर ज़्यादा अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करना है तो आपको वेबकैम बार बार अटैच करना पड़ सकता है, तो ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप। इसके अलावा दोस्तों मेरे को सबसे अच्छा चीज़ लगा यहाँ पे वो लगा यहाँ पे इसका ट्रैक पैड। इसका ट्रैक पैड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस भी दिया गया है, यानी कि आप एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक काफ़ी ईजिली पहुँच सकते हो इस ट्रैक पैड से। यहाँ पे मल्टी टच जो है यहाँ पे ट्रैक पैड देखने को मिलता है, जो कि गेस्चर सपोर्ट है। जो गेस्चर सपोर्ट है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा, जिससे जो है काफ़ी आप अच्छे से और स्मूथली जो है जिस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। तो गेस्चर्स जो है वो मेरा फेवरेट पार्ट है इस लैपटॉप का। तो सो मैंने आपको कंप्लीट जो है डिटेल्स यहाँ पे बता दी। गेमिंग के लिए भी है, लेकिन गेम अगर आप हाई लेवल गेमिंग करोगे तो उसके लिए ये लैपटॉप नहीं बनाया। एक मीडियम जो है गेमिंग भी ये लैपटॉप झेल सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो अगर आप नॉर्मल यूसेज के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो, आपके ऑफिस वर्क के लिए या फिर अगर वीडियो एडिटिंग के लिए, ऐसा कुछ जो काम है जो एकदम हाई एंड नहीं है लेकिन हाई एंड से थोड़ा सा नीचे है, तो डेफिनेटली ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका जो काम है वो एक्सेल बेस्ड है और आपका काम जो है वो टैली बेस्ड है, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको नंबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को एक बार लेने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि आपको अलग से एक कीबोर्ड लेना पड़ सकता है जिसमें न्यूमेरिक कीज हो, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिक कीज नहीं होने से। दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू MI नोटबुक 14 के बारे में। दोस्तों इसका रेट जो है वो 40,000 से लेके 50,000 के बीच में अलग अलग वेरिएंट है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चेक करना चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके फोन पे आ सके। आज के लिए इतने दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।